छत्तीसगढ़ में लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर से 41 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। जलवायु परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जीवन के अधिकार की संवैधानिक गारंटी को प्रभावित करता है जलवायु परिवर्तन। बेमेतरा में स्पंज आयरन फैक्ट्री का विरोध, ग्राम सरदा सहित आसपास के ग्रामीण अंचल की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम का मिजाज, अनेक स्थानों पर ओले के साथ हुई बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं काजल साहू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के भी 3 लोकसभा क्षेत्रों राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में चुनाव होने हैं। इस दूसरे चरण के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन के नाम वापसी की तिथि समाप्त हो गई है। राज्य के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शैलाभ साहू ने बताया कि नाम वापसी के बाद 3 क्षेत्रों में 41 प्रत्याशी शेष है, इनमें 48 पुरुष और 3 महिला उम्मीदवार शामिल है। के पश्चात और स्क्रूटनी के पश्चात जो संख्या है द्वितीय चरण के लोकसभा का, वो मैं पढ़ रहा हूँ। लोकसभा क्रमांक 6 राजनांदगांव में, स्क्रूटनी में जो अस्वीकार किए गए हैं वो 4 है। स्क्रूटनी के पश्चात अभ्यर्थियों की संख्या 19 है। नाम जो वापस लिए हैं वो भी 4 है, अतः वापस लेने और स्क्रूटनी के बाद जो अब कैंडिडेट बच रहे हैं वो 15 हैं, इसमें से 13 पुरुष हैं और 2 महिला हैं। श्री साहू ने बताया कि दूसरे चरण के लिए राजनांदगांव में 15, महासमुंद में 17 और कांकेर में 9 उम्मीदवारों को निर्वाचन के लिए योग्य घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को चुनाव होंगे और मतगणना 4 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि जलवायु परिवर्तन जीवन के अधिकार की संवैधानिक गारंटी को प्रभावित करता है, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि जलवायु संरक्षण के उपायों पर ठोस कदम उठाए और नागरिकों को मिले अधिकारों को जीवंत रखे। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार को मान्यता देता है, जबकि अनुच्छेद 14 बताता है कि सभी व्यक्तियों को कानून के आधार पर समानता और कानूनों का सम्मान संरक्षण मिलेगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकारी नीति, नियम और कायदों के बावजूद जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को पहचानने और इससे निपटने की कोशिश के बावजूद देश में कोई एकल या व्यापक कानून नहीं है जो जलवायु परिवर्तन और इससे जुड़े चिंताओं से संबंधित हो। कोर्ट ने आगे कहा कि स्वच्छ पर्यावरण के बिना जीवन का अधिकार पूरी तरह से साकार नहीं हो सकता है। ये फैसला वाइल्ड लाइफ कार्यकर्ता M.K. रंजीत सिंह और अन्य की ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी के संरक्षण के लिए दायर याचिका की सुनवाई के बाद दिया गया। बिलासपुर लोकसभा के लोरमी में पार्टी प्रत्याशी तोखन साहू के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया गया। सम्मेलन को उप मुख्यमंत्री अरुण साव, बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक और प्रत्याशी तोखन साहू ने संबोधित किया। प्रत्याशी तोखन साहू ने कहा कि केंद्र सरकार के कामकाज के आधार पर जनता का समर्थन उन्हें मिला है और वे अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। हर विधानसभा की तरह लोरमी विधानसभा के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। पहली बार लोरमी विधानसभा के कार्यकर्ता को लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया है, तो स्वाभाविक रूप से लोरमी के कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। आगे आकर के जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, हमारी माताएं बहनें आरती उतार करके माला पहना करके स्वागत कर रही हैं, बेहद उत्साह है। और मुझे लगता है कि लोरमी विधानसभा से एक बड़ी जीत दर्ज हम लोग करेंगे। उधर बिलासपुर लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने भी अपने जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मिलकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रबुद्ध जनों से मिल रहे समर्थन से उत्साहित है। 30 दशकों से म्यूट सांसद बन रहा है, जो म्यूट बटन दबा हुआ है,
भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रत्याशी देती है जो संसद में थाली और ताली और स्टैंड अप एंड सिट डाउन इसके अलावा और कोई उपयोगिता सुनिश्चित नहीं करते। तो इस बार मजबूती से बिलासपुर की क्रांतिकारी धरती, संस्कारी धरती, न्यायधानी की आवाज़ मजबूती से सेंट्रल में उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जनता जिताएगी। ये हमारा भरोसा है, ये हमारा हौसला है और जनता का बहुत स्नेह, अपार प्रेम, सद्भाव हमको मिल रहा है और हम मजबूती से लड़ेंगे। उनके साथ पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। बेमेतरा जिला में लगने वाले स्पंज फैक्ट्री का विरोध एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। आज सैकड़ों की संख्या में ग्राम सरदा सहित आसपास के ग्रामीण अंचल की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बताया कि संयंत्र से होने वाले प्रदूषण से न सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान होगा, इसलिए वे इसका विरोध कर रही है। मोर सरोजनी नाम ही है। मैं ये धुआं वाले कंपनी ला बंद करवाना चाहत हाँ। एखा से हवा दूषित हुई, पानी दूषित हुई, पानी के कमी पड़ी, एखा से फेफड़ा में धुआं जम जही, ओखा से आदमी के मृत्यु भी हो सका थे। हमन अभी के हाल ला देखा था ताकि हमार लोग लड़का की भी भविष्य ला देखना चाहत हन और ओखर स्थिति हमन कंपनी बंद करवाए बर हमन कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दे बर आए। अपर कलेक्टर टीआर माहेश्वरी ने बताया कि ग्रामीणों ने संयंत्र के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। इस बारे में आला अधिकारी को जानकारी दे दी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। निर्माणाधीन स्पंज आयरन फैक्ट्री निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने हेतु ये ज्ञापन दिया गया है और उस ज्ञापन के संबंध में कलेक्टर महोदय को अवगत करा दी जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक संयंत्र बंद नहीं हो जाता उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एब्सोल्यूट। मेरी नई स्कूटी के लिए। ओ बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सयानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इंसिस्ट। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिछ गई लोकसभा चुनाव के निशान, बढ़ गया सियासी घमासान, केंद्र में किसकी बनेगी सरकार, क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत, हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट, देखिए जनादेश सिर्फ DD न्यूज पर। सऊदी अरब में कल ईद मनाई जाएगी। इस साल रमजान का महीना 11 मार्च से शुरू हुआ था। इस महीने के अंत में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है। इस्लाम का ये त्योहार चंद्रमा पर आधारित हिजरी कैलेंडर के आधार पर मनाया जाता है। वहीं भारत में ईद का चांद कब दिखेगा इसका बेसब्री से इंतजार है। ईद के चांद को लेकर ईदगाह इमाम मौलाना राशिद ने कहा कि अगर आज चांद नजर आता है तो ईद उल फितर कल मनाई जाएगी, नहीं तो 11 अप्रैल को मनाई जाएगी। अगर आज चांद हो जाता है तो इंशाल्लाह ईद उल फितर 10 अप्रैल को होगी और वरना 11 अप्रैल को पूरे मुल्क में इंशाल्लाह ईद उल फितर मनाई जाएगी। और इस मौके पर दिल खोल करके गरीबों की, मोहताजों की मदद और इमदाद करें, अपने और अपने घर वालों के लिए दुआ करने के साथ साथ मुल्क की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए जरूर दुआएं करें। पूरे
रमजान मुस्लिम समुदाय के लोग सूरज निकलने से लेकर सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं। इस दौरान खाना ही नहीं पानी तक नहीं पीते हैं। ईद पर सेवइयों की विशेष मांग रहती है। सेवइयों के बिना ईद अधूरी होती है। बाजार में सेवइयों का बाजार सजकर तैयार है और वहां विभिन्न प्रकार की सेवइयां उपलब्ध है। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। ईद उल फित्र, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, सेवइयों के बिना अधूरी है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ईद जो है वो सेवइयों के बगैर, यानी मीठी सेवइयों के बगैर सोची ही नहीं जा सकती। तो सबसे ज्यादा डिमांड जो देखने को मिलती है वो सेवइयों की मिलती है। किस तरह की डिमांड रहती है? ईद वाले दिन सेवइयां बनती हैं, शीर बनती है, किमामी सेवइयां बनती हैं। अब आप देख सकती हैं ये बिल्कुल बाल की तरह बारीक है। ये बनारस से हम लेकर के आते हैं, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर स्टेट के लोग रहते हैं और वहाँ सबको अपना अपना कल्चरल फूड ही अच्छा लगता है। तो हमने सबके लिए इंतज़ाम कर दिया है कि वो अपना कल्चरल फूड दिल्ली में भी रह करके बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो उसमें वैरायटी ये वाइट कलर की है, इसको छत्ता कहते हैं। ये कच्चा छत्ता है और ये बारीक वाला भुना हुआ छत्ता है। ऐसे ही ये सेवइयाँ होती हैं, दिखाओ। इसमें भी दो तरह की वैरायटीज होती हैं, एक ये थोड़ी मोटी होती है, एक इससे बारीक होती है। तो ये शीर में इस्तेमाल आती है जो दिल्ली वाले पसंद करते हैं। विश्व रंगमंच दिवस तथा हिंदी रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में भिलाई में नाट्य मंचन तथा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ कला और साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में युवा कलाकारों के माध्यम से परसेंटेज थ्योरी तथा भोंगरा नाटकों की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के पहले नाटक में परीक्षा के दौरान छात्रों में पड़ने वाले दबाव को दर्शाया गया, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वहीं दूसरे नाटक में समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और लालच जैसी कुरीतियों को उजागर किया गया। दोनों ही नाटकों को दर्शकों ने खूब सराहा। छत्तीसगढ़ कला और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शक्ति चक्रवर्ती तथा महासचिव विभाष उपाध्याय ने आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि युवा पीढ़ी को रंगमंच से जोड़ना तथा नाटकों के माध्यम से समाज में सकारात्मक विचार का संचार करना आयोजन का मकसद था। देखिए, युवा पीढ़ी को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं और अभी विश्व रंगमंच दिवस था 27 मार्च को, 3 अप्रैल को हिंदी मंच दिवस था। इन दोनों को लेकर हम लोग ने एक आयोजन किया जिसमें बच्चों को प्रशिक्षित किया और प्रशिक्षण के बाद इन बच्चों के बहुत अच्छी वो आउटपुट थी। उन्होंने कहा कि अब हम थिएटर करेंगे। फालतू के मामले में पढ़े रहते थे हम लोग, गपबाजी, रील बनाना और दुनिया भर का। अब बोले थिएटर करेंगे और वास्तव में थिएटर से उनको सीखने मिला है और हम इस भीड़ को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम सभी साथी इस कार्यक्रम को हम लोगों ने विश्व रंगमंच दिवस और हिंदी रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आयोजित किया था और इस कार्यक्रम का जो पुरानी परंपरा रही है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। इसमें हम लोगों को हमारे साथ जोड़ने के लिए और समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, उसको समझाने के लिए हम इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि हम लोगों ने एक नाट्य प्रशिक्षण शिविर साइंस कॉलेज में आयोजित किया जिसमें 2 नाटक तैयार किए गए। 2 नाटक, एक परसेंटेज थ्योरी पेरेंटिंग के ऊपर और दूसरा भोंगरा। परसेंटेज थ्योरी ऑलमोस्ट रियलिस्टिक पैटर्न में खेला गया और भोंगरा जो है लोक शैली में मंचन किया, मतलब नाटक के 2 शैली में नाटकों का प्रदर्शन हुए और इसके साथ हम लोगों ने 15 कलाकारों का सम्मान किया। इस दौरान रंगकर्म के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले रंगकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। बीते 2 दिनों से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। सोमवार रात भी रायपुर सहित कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 3 से 4 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। मौसम विज्ञानी बीके चिन्नालूरे ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ और समुद्र से आ रही नमी के कारण मौसम में ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश से प्रदेश के सभी हिस्सों में दिन का तापमान में गिरावट भी देखी गई है। प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई, जिसका कारण यह है कि एक आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक एक द्रोणिका थी, जिस कारण आज पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। लेकिन आज जो सिस्टम है छत्तीसगढ़ में, बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही, जिसके कारण अगले 3-4 दिन में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आगामी दो दिनों तक बारिश के हालात बने रहेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।